अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिक अली और मेरे साथ है तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज के हमारे वीडियो इमर्जिंग इंडिया अराइजिंग सुपर पावर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। निकलूंगी 4 बजे। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया अराइजिंग सुपर पावर मॉडर्न एंड डेवलपिंग इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। राइजिंग सुपर पावर, खूबसूरत ये शॉर्ट्स आपको वैसे बहुत पसंद है। आज रात में देखा हमने न्यू दिल्ली। खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। कुछ ऐसी का तो हमने पहले भी देखा है, बिल्डिंग्स ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है। वाओ, ये देखो यार टावर्स, वाओ हसीन, खूबसूरत। ओहो, आप ब्रिज देख रहे थे? वाओ, बहुत रात में तो और कम लोग हैं सब। गुवाहाटी। अच्छा पहले मैंने नहीं देखा गुवाहाटी, आई थिंक सो, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हमने कोई वीडियो देखी है, एक आधी वीडियो शायद मुझे लग रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। टाइम लैप शॉट्स हैं ज़्यादातर गुवाहाटी। बहुत अच्छा काम किया, कौन सा सॉन्ग है? दिल्ली से गई, दिल्ली से गई कहाँ? पटना। पुराना सॉन्ग है इंडिया का, पता नहीं पुराना है तो आपको बताओ। इंडिया आपके में एक ही जॉब है, नया लाइन। मैंने सुनी नहीं, आपकी
दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। हाँ वही सजना, आपको मिल गया सजना। बिल्कुल सजनी। खैर बहरहाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। ज़्यादातर नाइट व्यूज़ थे, डे भी था। मुझे थोड़ी सी सैडनेस फील हो रही है, पूछे क्यों? हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और अभी भी नए से नए सिटीज, अभी भी हमें सारी सिटीज भी नहीं पता है अभी तक इंडिया की। मतलब ये गैंगटॉक, गुवाहाटी, मतलब इतनी सिटीज। अच्छा चलो ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ होंगे जो नॉर्मल से हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल नहीं है वो, प्रॉपर डेवलप सिटी। हाँ। इतने आलीशान, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने खूबसूरत, ये कमाल की बात है। मतलब मुझे ये कहे कि इंडिया नहीं है, कोई फॉरेन कंट्री, तो मैं यकीन करें आपके बंद करके बहुत सकती, बहुत ही ज़्यादा। मतलब है कि मतलब हम तो समझ रहे थे कि शायद जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं, हमें सजेस्ट, हमें सजेशन हो चुकी है वीडियोस की और हम देख चुके हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा वैसे हमें, मुझे कमेंट्स चाहिए आप लोगों की जानिब से, जिसमें आप लोग ये बताएं कि इंडिया के टोटल सिटी कितने हैं। बहुत सारे। कितने हैं आप एक तुक्का मारें सर, फिर प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे आपको, अगर तुक्का आगे पीछे हुआ ना। मोर देन 100। मोर देन 100? नहीं, मोर देन 1000? 500। देखिए ना, मोर देन 100 का मतलब 500 आता है। 500 बहुत फर्क आ जाता है ना, मोर देन। अच्छा मोर देन 100 में 5000 भी आता है? मोर देन 100 में, यानी कि मोर देन 1000 थोड़ी बोल रही हूँ, मोर देन 100 यानी 500 तक आ जाएगा। हाँ मेरे ख्याल में 500, मेरे ख्याल में शायद। और आप डेवलप सिटीज़ कितने होंगे? अच्छा मोर देन 100। अच्छा सुने मोर देन 100 आप कह रही हैं, वो तो डेवलप्ड नहीं, वो तो स्मार्ट सिटीज़ उससे ज़्यादा बनाने के प्लान बन गया है। हाँ। तो इसका मतलब है कि सिटीज़ के नहीं प्लान। हाँ, इसका प्लान। मतलब है जो अच्छे सिटीज़ थे उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिर्फ 100 तो वो हैं, तो मेरे ख्याल में ये 1000 सिटीज़ होंगे शायद। मैं कह रही हूँ मोर देन 1000, आई रीड माय वर्ड्स, मोर देन 1000। ये कमेंट्स के जरिए पता चलेगा, और शायद क्या लग रहा है मेरे ख्याल में कोई अभी आप 500 पे थे, अब आप हिलेंगे नहीं अभी जगह से। सही है, अब बताएं मेरे ख्याल में शायद 1000 तक होंगे। चलो 500 तक होंगे, लेकिन आपने वो सिटी का वाइजेट सिटी देखा था आपने? वाइजेट इस वीडियो में तो शायद नहीं था, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत खूबसूरत। यानी कि इंसान अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाके इन जगहों पे जाके गुजारे, तो और केरला आपने देखा कितना खूबसूरत जगह, गोवा जबरदस्त जी, मतलब मैं ये कहती हूँ गोवा जन्नत है। बिल्कुल ऐसा ही है, वाकई जन्नत से कम नहीं है। अगर इंसान को स्ट्रेस हो, लाइफ से थक गया हो, बोरिंग हो चुका हो, तो बस मैं तो कहती हूँ इंसान को ना कुछ एक अच्छा खासा, इंसान के पास अमाउंट हो, घर सेटल हो चुका हो, सारी चीज़ें ओके हों, फिर इंसान थोड़ा सा 2 से 3 मंथ जो है जाके चिल करके आए, मज़ा आ जाए। क्यों नहीं गोवा में बहुत कुछ है, वैसे आपने देखा सी साइड है, गोवा के अलावा बहुत कुछ है यार, कितने खूबसूरत सिटी, हर चीज़ है। अच्छा हम पाकिस्तानियों को बस गोवा तक ही हम एंड है, क्योंकि मूवीज़ में इतनी प्रमोशन होती रहती है, गोवा का जिक्र ही होता रहता है, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में बहुत सारी और जगहें डिस्कवर हो चुकी हैं। यानी हमारे यहाँ किसी ज़माने में सिर्फ एक जगह का नाम लिया जाता था कि आप कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, मरी। कहाँ? मरी। इसके अलावा, मरी के अलावा इंसानों को, अच्छा और आगे खूबसूरती बहुत है, बर्फबारी होती है, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, स्नोफॉल होती है। अच्छा हमें क्या पता था, मैं आपका कोई ट्रांसलेटर हूँ क्या? मम्मी तो हर वक्त इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो मेरी थोड़ी वो कुकू कहते हैं फूल। ये देख रही है वैसे आपको पता है, अच्छा मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, मैं जाऊँगी दूध सागर, वो भी गोवा ही है ना, कितना सीन था वो, आपने देखा था? मतलब मैं जगहों की बात कर रही हूँ। अच्छा मैं बता रहा था कि हमें सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानी ही सिर्फ मरी तक जाते थे, ये मरी ही उन्हें पता था, नथिया गली मरी। अब तो अच्छा अब हालत क्या है पता है मरी की? बहुत बुरी। इस वक्त कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा जो मरी घूमने जाएगा, अब उसकी वजह सुने आप,
मरी के हवाले से बात हो रही थी, तो मरी के हवाले से कि बहुत फैमिलीज़ ने वीडियोस बनाई कि जिनके साथ होटल वालों ने चीट किए, उन्हें खाने बुरे दिए, उनसे बहुत ज़्यादा चार्जेस दे दिए। असल में मरी में बहुत सारी दुनिया आने लगी ना, जब पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान में एक तमाम सैयाहों ने मरी कर ली, ठीक है, पाकिस्तानियों ने, तो हुआ ये कि उनके दिमाग ऊपर चले गए, उन्होंने चीट शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत 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 बुरी तरह लोगों के साथ बिहेव करने लगे। तो एक ट्रेंड चला था कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में, जिसमें लोगों ने बाकायदा एक ट्रेंड चलाया था कि मरी का बायकॉट करें, मरी कोई ना जाए, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारी पब्लिक पहुंचती थी ना। देखिए, होटल के कमरे 10 हैं, आपके पास 25 लोग हैं, आप 10 को दे रहे हैं, आप अपनी डिमांड रखेंगे, आपके अपने नखरे होंगे, आप उनको जो कचरा देंगे खाने पीने के लिए वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कब तक, कब तक। फिर अब जो है लोगों को थोड़ी सी अकल आने लगी, मरी का बहुत बुरा हाल है, अब पाकिस्तानी इससे अवॉइड कर रहे हैं, और आगे भी बहुत खूबसूरत जगह हैं। अच्छा, मरी में होटल बहुत बन गए, बहुत ही टूरिज़्म के लिए बहुत सारी जगह बन गई, रेस्टोरेंट बन गए, होटल्स बन गई, खाने पीने की चीज़ें, तो हर बंदा मरी जाने लगा। लेकिन मरी वालों ने बहुत बुरी हरकत की, बहुत बुरी हरकत की होटल्स वालों ने, बदमाश बन गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक वक्त था कि हमें सिर्फ मरी का पता था, आगे इतना नहीं जाते थे लोग, अब तो इसी तरह इंडिया के हवाले से जो जानते थे हम लोग, गोवा, मुंबई, गोवा नहीं, जो बिग सिटीज हैं वो नेचुरल के हवाले से गोवा। अच्छा, केरला का भी नहीं पता था इतना, केरला का भी इतना खूबसूरत, केरला इतना खूबसूरत ये वाली स्टेट है, इसके अंदर है। मैं समझती थी गोवा भी, मुझे लगता था मुंबई वगैरह में होगा। बिल्कुल, तो बहरहाल ये है कि बहुत ही खूबसूरत सिटीज़, और सिटीज़ पे बात हो रही थी कि हमें नहीं पता कि इंडिया में कितने सिटीज़ हैं और इतने डेवलप सिटीज़ हैं। मतलब हम तो इसका मतलब है, कितने सिटीज़ हैं, हम तो हम भट्टे जो भी थे, हाँ, अच्छा, हम लोग तो समझ रहे थे कि हम काफ़ी सिटीज़ देख चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें नए नए नाम नज़र आ रहे हैं और इतने डेवलप, इतने खूबसूरत सिटी, तो वाकई वी आर शॉक। शुरू हो गया, क्या मतलब, इंग्लिश आधी इंग्लिश बोल के चुप हो जाते हैं यार। आप जो है ना, कुछ खाने खाए पिए बगैर पहले सही होती हैं, उसके बाद जो है ना आपको थोड़ी सी शरारतें सोचती हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि इतने सारे सिटीज़ जो मैंने देखे हैं इंडिया के अब तक, और पता नहीं कितने और मजीद सिटीज़ हैं जो मेरी आंखों से रह गए हैं मुझे देखना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तक जितने सिटीज़ मैंने देखे और मजीद जितने भी सिटीज़ रह गए हैं उन्हें मैंने, जैसे अभी सडनली देखी है गैंगटॉक और ये गुवाहाटी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर सिटी अपनी एक अपनी अलग पहचान रखता है, एक अलग अपनी खूबसूरती रखता है, दूसरे से भले डिफरेंट है लेकिन डेवलप्ड है। ये नहीं है कि बिल्कुल विलेज वाला हाल हो। देखिए, हर जगह की अपनी लोकेशन है, वहाँ की अलग खसूसियात है, और मतलब उसी तरीके से मेंटेन करके रखा गया। सबसे बड़ी बात, जैसे आप कह रहे थे कि मरी के साथ, तो मैं कहूँगी कि हर चीज़ पे फोकस है, हर सिटी को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, साफ सुथरा, बहुत खूबसूरत सिटीज़ थे। तो दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, दिल करता है बातें करते रहें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम एक वीडियो में मैक्सिमम कितने घंटे बोल सकते हैं? मैं तो एक घंटा तो बोल ही सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं 24 घंटे भी बोल सकती हूँ। क्या बात है, लेकिन उस दौरान खाना सामने रख दी लगी नहीं, कोल्ड ड्रिंक, खाना, बिरयानी, थोड़ी थोड़ी देर में, आधे आधे घंटे में आती रहे, फिर ये 24 घंटे क्या 48 घंटे भी बोल लेंगे। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।